देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर में अब एक दिन में 1,40,000 तक कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के 3,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन को कोरोना के दूसरे वेरियंट से कम खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे हल्का समझने वालों को चेताया है। ओमिक्रॉन भारी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है। कई देशों में ओमिक्रॉन कहर बनकर टूटा है। आइए जानते हैं क्या है ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ने की वजह। ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन को बहुत हल्का वेरियंट बताया जा रहा है, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन केरखोव ने ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की 3 वजह गिनाई हैं। पहली वजह नए वेरिएंट के म्यूटेशन वायरस को मानव कोशिकाओं के साथ आसानी से जुड़ने में मदद करते हैं। दूसरी वजह है नए वेरिएंट में इम्यून सिस्टम से बच निकलने की क्षमता है। नतीजन लोगों में री इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है, यानी पहले संक्रमण का शिकार हो चुके लोग या वैक्सीनेटेड हो चुके लोगों को इससे बचना मुश्किल है। तीसरा कारण बताते हुए केरखोव ने कहा, ओमिक्रॉन में हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरस को रिप्लिकेट होते देख रहे हैं, जो कि डेल्टा या पिछले किसी भी वेरिएंट से बिल्कुल अलग चीज है। कोरोना के पिछले सभी स्ट्रेन फेफड़ों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेप्लिकेट होते थे, जिससे इसके आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम होती थी। इसके साथ ही वायरस लोगों के ज्यादा मेलजोल की वजह से भी तेजी से फैल रहा है। WHO ने बताया है कि पिछले सप्ताह पूरी दुनिया में कोरोना के रिकॉर्ड 95 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।